और खैरा नगर के राज के सम्राट चंद्रसेन अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और महाराज के दाहिनी तरफ उनके प्रजा के रखवाले महामंत्री भवानी सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। पैरेदार पे सिपाही तैनात हैं। महाराज व ताज और तत्व की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत वाली का खेल आप लोगों की समक्ष पेश है। खेल का नाम पूरा गौर करिएगा, खेल का नाम मोहब्बत की भूल। मोहब्बत की भूल, करामाती भूल और फटाकू गंगा से। गाँव मुबारक बात मैं वाली जाऊं, शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। कंचनियों एक एक बारी बारी से महाराज को आदाब प्रदान करते हुए अपना अपना इनाम लेकर के राज दरबार से रुखसत हो जाइए। Thank you.
राजन, क्या बातें हैं, क्या भी जब सिंहासन पे बैठते हैं तो आप कुमसुदा उदास से बैठते हैं, आखिर बात क्या है राजन? इस उदासी का कारण ये भवानी प्रताप सिंह सुनना चाहता है राजन, कि आप हर वक्त क्यों गुमसुदा उदास रहते हैं? मंत्री भवानी प्रताप सिंह राजन, तुम ये जानना चाहते हो कि हर वक्त हमेशा मैं क्यों उदास रहता हूँ? हाँ राजन, इस उदासी का कारण मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्यों उदास रहते हैं। सुनिए, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। तो मंत्री जी मुझको सदमा है इस बात का, भवानी प्रताप सिंह तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी महारानी का स्वर्गवास हो गया है, ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटा बेटी नहीं दिया, मैं इस राजमहल में सिर्फ अकेला हूँ। 24 घंटे मैं यही सोचता हूँ कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा, हमारे न रहने के बाद हमारे साई महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में हमेशा मैं डूबा रहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ और क्या न करूँ। राजन, इसमें इंसान का क्या दोष है, ये तो ईश्वर का ही प्रकोप है राजन। महाराज, वाकई में जब से महारानी जी का देहांत हुआ है आप हर वक्त उन्हीं के सदमे में रहते हैं। महाराज, ये भवानी प्रताप सिंह आज आपसे एक बात कहना चाहता है, अगर इजाजत हो तो उस बात को आपके समक्ष कह दूं। राजन, तो आप चिंता न करिए महाराज जी, आप चिंता कि आप चिंता न करिए महाराज जी, दूसरी अपनी शादी रचा लीजिए, आएंगी रानी जी राज दरबार में, ध्यान कहने पे राजन चढ़ा दीजिए। आएगी रानी जी राज दरबार में, ध्यान कहने पे राजन चढ़ा दीजिए। महाराज, क्यों ना आप अपनी दूसरी शादी रचा ली, महारानी जी आएंगी, हो सकता है
ईश्वर की देन हो कोई औलाद हो जाए, इस ताज और तत्व का वारिस हो जाए राजन। मंत्री भवानी प्रताप सिंह, हमारी जिंदगी के दो पैर ढल चुके हैं, शाम होना बाकी है और इस उम्र में हम अपना दूसरा विवाह रचा ले। हाँ राजन, तीने वाला है कौन शादी करेगी मेरे साथ में। मुझको विश्वास होता नहीं मंत्र जी, कौन ब्याहे लली को मेरे सिंह। कौन ऐसी लड़की है जो इस उम्र में हमारे साथ अपनी शादी रचाएगी, और कौन ऐसा वो लड़की का पिता है जो इस उम्र में अपने बेटी का हाथ हमारे हाथ में देगा। राजन, ये दुनिया बहुत बड़ी है और राजन बहुत से ऐसे माँ बाप है जो अपने बेटियों का हाथ पीले नहीं कर पा रहे, और राजन बहुत से ऐसी लड़कियां है जिन्हें एक वक्त का निवाला नसीब नहीं होता। महाराज ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मंत्री भवानी प्रताप सिंह, राजन अभी मैं तुम्हारी बात पे सहमत नहीं हूँ। क्या? क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा बहादुर सेनापति रणवीर प्रताप सिंह है, और बगैर रणवीर प्रताप सिंह के सलाह के हम अपना कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाता हूं। तुम इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। ठीक है राजन, अगर ऐसी बात है तो रणवीर प्रताप सिंह को इसी वक्त फोन करवाता हूं। सिपाही, हाय सिपाही, इधर आओ। सिपाही, सेनापति रणवीर प्रताप सिंह को फोन करिए और बोलिए कि सम्राट हूं, राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र दरबार कर हाजिर लगाइए फोन।